फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। और आप लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी। हम लोगों का जो चैप्टर है कंटिन्यू में वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हमने जो फर्स्ट हमारा 6 लेक्चर था उसमें इवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, किस थ्योरी के हिसाब से? इवोल्यूशन की थ्योरी के हिसाब से, फर्स्ट लिविंग और लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशियन। जो पहला हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल था या मटेरियल था उसके हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और ये कहाँ पे फॉर्म हुआ था, कहाँ पे बना था? ओशियन में बना था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। और ये कैसे बना? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम पास होते गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? फॉर्म्ड होना चालू हुए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होना चालू हुए। ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस ऑकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, सिंगल सेल्स थे, वो क्या हो गए? लार्ज बनते चले गए। क्या बनते चले गए? लार्ज बनते चले गए। और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वेर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स थे या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या हुए? फॉर्म हुए। ओके, नाउ ऑल द चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। तो जो भी जो चेंजेस ऑर्गेनिजम्स में हुए, यानी कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर सेल बना, सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने, तो ये जो सारा प्रोसेस था ये बहुत ही स्लो था, वेरी स्लो था, ग्रेजुअल था। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इन इट मस्ट ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इन इज एट मस्ट 300 crore years। तो ये जो भी ड्यूरेशन था टाइम चेंजेस होने का, जो भी चेंजेस फॉर्म हुए, इसके लिए कितने करीब कितने साल लग गए? 300 crore, यानी 300 crore साल लग गए। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड बीन ऑल अराउंड द मल्टी डायमेंशनल। जो भी चेंजेस फॉर्म हुए वो कैसे थे? मल्टी डायमेंशनल थे। मल्टी डायमेंशनल थे मीन्स कैसे थे? कि जो सिंगल सेल थे वो यूनिसेलुलर बनते चले गए, यूनिसेलुलर सेल से फिर क्या हो गए? वो मल्टी सेलुलर बनते चले गए। और वो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, फॉर्म्स में चेंज होते चले गए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टी डायमेंशनल। एंड दिस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी डायमेंशनल होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स में क्या हुआ? डिफरेंट टाइप का इवोल्यूशन हुआ। दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस था कि सिंगल सेल से नंबर ऑफ सेल्स बन गए, नंबर ऑफ सेल्स से मल्टी सेल्स बन गए, मल्टी सेल्स से मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म होकर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गए, तो ये जो ऑल प्रोसेस था एवोल्यूशन का, ये ऑर्गेनाइजेशनल था। ऑर्गेनाइजेशनल का क्या मतलब है? कि आप टाइम पासेस के साथ क्या होता चले गया? प्रोटोप्लाज्म फॉर्म हुआ, यूनिसेलुलर सेल फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ? मल्टी सेलुलर सेल फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जो स्मॉल सेल थे वो लार्ज होते चले गए, जो सिंपल मटेरियल था वो कॉम्प्लेक्स में क्या होता चले गया? चेंज होते चले गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हुआ सब कुछ, यानी कि अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि इंसान हो गया, आ गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अचानक से आ गए, नो, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ, इसे हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट and animals from the ancestor having different structural and functional organization is called evolution। ठीक है, कि क्या बताया गया है? कि जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, यानी कि जो डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में, फ्रॉम द एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स यानी कि ओल्ड, यानी कि समझो ओल्ड कुछ स्पेसिस है और उसके अंदर फिर क्या हुआ? कुछ चेंजेस फॉर्म हुए, इवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से न्यू टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्पेसिस फॉर्म हुए। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। क्या है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। और जिसकी वजह से हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कि अलग अलग स्ट्रक्चर के और फंक्शन के जो है हमारे स्पेसिस फॉर्म होते चले गए, जिस और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा इवोल्यूशन का क्या होता है? पॉइंट कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। एविडेंस के मीनिंग होते हैं प्रूफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सो ये पढ़ने वाले हैं। और जब तक ये टाटा बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जब तक के लिए